Good morning, students. Firstly, I welcome you all for coming in your 9th class. देखिए बच्चों, नए सेशन की शुरुआत हो चुकी है. आप लोग भी 9th क्लास में आ चुके हो. तो 9th क्लास में आने के बाद आप लोगों को एक नया सिलेबस पढ़ना है. तो नए सिलेबस में सब्जेक्ट टीचर आप लोगों को अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में बता भी रहे होंगे और आपको पता भी है वैसे कि क्या अपना सिलेबस रहेगा. कि देखिए, जैसे हम फिजिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स का अपना सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से चैप्टर होंगे और इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं उनको हम सीखेंगे. तो सबसे पहले तो बच्चों, फिजिक्स अब मान के चलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है और बड़ा मज़ा आएगा आपको इसको सीखने में, समझने में. अब बस मेहनत करें, इसके ऊपर अच्छा काम करें. तो क्या क्या हमारे पास जो सिलेबस है क्या रहेगा, जैसे फिजिक्स का पहला चैप्टर है अपना मोशन. टोटल अपने पास 6 चैप्टर होंगे. पहला मोशन, दूसरा है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, और थर्ड चैप्टर है अपना ग्रेविटेशन, फोर्थ है फ्लोटेशन, फिफ्थ चैप्टर है आपका वर्क एनर्जी एंड पावर, और सिक्स चैप्टर है आपका साउंड. और सारे के सारे चैप्टर बड़े सिंपल हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये. तो हम शुरुआत करते हैं जैसे अपने किस पहले चैप्टर, फिजिक्स के पहले चैप्टर से, जो है मोशन. क्या होता है मोशन, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज इसके अंदर हम मेजर करते हैं. तो किसी भी चैप्टर को समझने के लिए या किसी भी टॉपिक को हमने पढ़ने से पहले उसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी होती है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में हमने पढ़ने हैं वो सब. और ये पहला अपना लेक्चर होगा, तो ये एक बेसिकली बेसिक लेक्चर होगा. जो टॉपिक आगे आएंगे उन टॉपिक को समझने से पहले इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, जिससे कि हम आगे जो सिलेबस आएगा, आगे जो चैप्टर, आगे जो टॉपिक होंगे उन टॉपिक को समझने में हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमें हेल्प करेंगे उसको और अच्छे से समझने के लिए. तो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हम यही देखते हैं कि फिजिक्स क्या चीज़ है. देखिए बच्चों, सभी को पता भी होगा वैसे फिजिक्स क्या है, मतलब व्हाट इज फिजिक्स. देखिए बच्चों, इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि फिजिक्स जो है वो साइंस की एक ब्रांच होती है. अभी तक आप साइंस पढ़ते आ रहे थे, साइंस में आपने ये टर्म्स पढ़े भी होंगी, मोशन क्या है, फोर्स क्या है, रिलेटिव मोशन क्या है, फोर्स इनकी टाइप क्या है, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, इस तरह की कुछ टर्म्स आपने पढ़ी थी. तो आपके लिए एक नया सब्जेक्ट नहीं हो सकता, एक नया टॉपिक भी नहीं है, इसके बारे में आपने पहले से सुना हुआ है, पढ़ा भी हुआ है. अब बस क्या है कि आप उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. तो हम शुरुआत करते हैं अपने बेसिक लेक्चर से, बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे बिल्कुल. तो इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि फिजिक्स क्या है बच्चों. तो फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच होती है. तो इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है बच्चों वो क्या है, देखिए, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना. देखिए बच्चों, जो कुछ भी अपने नेचर में अवेलेबल है, जो कुछ भी, ठीक है, और जो नेचुरल फिनोमेना है, मतलब उनके एग्जांपल्स जो भी आप देख रहे हैं वो सब फिजिक्स से रिलेटेड है. जैसे आप लोग लाइट देख रहे हो, ठीक है, लाइट फिजिक्स की एक ब्रांच. और फिजिक्स की कौन सी ब्रांच जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं, जैसे ऑप्टिक्स है. बहुत सारी फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांच है. अलग अलग फिनोमिनन के आधार पे हमने उनको अलग अलग ब्रांच में डिवाइड कर रखा है. फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांच हैं, उनमें इसको अलग अलग पार्ट दिए रखे हैं. इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी अलग हो रही है, मैग्नेटिज्म की अलग स्टडी हो रही है, ऑप्टिक्स की, लाइट की स्टडी अलग हो रही है जिसमें हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं. तो उसमें बहुत सारी जो ब्रांच होती है फिजिक्स की, उनके अकॉर्डिंग हम फिजिक्स का क्लासिफिकेशन कर देते हैं. और उसी क्लासिफिकेशन में हमारे पास सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आ रहा है वो चैप्टर जो मोशन है आपका, ये किसी फिजिक्स की क्लासिफिकेशन का ही कोई ना कोई, किसी फिजिक्स की ब्रांच का ही कोई पार्ट है. जैसे मोशन जो चैप्टर होता है, मोशन जो चैप्टर है आपका, ये फिजिक्स की कौन सी ब्रांच से निकला हुआ है, जैसे मैकेनिक्स से निकला है ये ब्रांच. कौन सी ब्रांच से निकला है, मैकेनिक्स. अब मैकेनिक्स होता क्या है, मैकेनिक्स किसे कहेंगे हम,
Mechanics is the branch of physics. Mechanics is the branch of physics which deals with the study of motion of an object. क्योंकि बच्चों हमारा जो चैप्टर है वो मोशन है. अब हमें पता है कि मोशन होता क्या है. मोशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन. ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है. एक ऑब्जेक्ट का एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव होना मोशन होता है, बोल देते हैं सिंपली. तो मोशन मैकेनिक्स की मतलब मैकेनिक्स की एक ब्रांच है. मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट यानी कि मोशन को स्टडी करते हैं. तो वो मोशन, ठीक है. इसमें भी और आगे टॉपिक बढ़ते चले जाएंगे, उनको हम अभी आगे हम डिस्कस करेंगे. इसी तरह से बच्चों जैसे हमने स्टडी करना हो, हम देख रहे हैं जैसे कि लाइट है, ठीक है, लाइट की स्टडी करें तो लाइट की स्टडी करना ये फिजिक्स की एक दूसरी ब्रांच है जिसको हम ऑप्टिक्स बोलते हैं. इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की स्टडी करें तो जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को पढ़ते हैं उसकी स्टडी होती है तो उसको हम जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं. हीट की स्टडी करते हैं तो उसमें जैसे हम उसको थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं. इसी तरह यदि हम मोशन की स्टडी करें किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट की, हम मोशन की कंडीशन को स्टडी करें तो उसको हम मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है. और मोशन क्या होता है हमने पढ़ा भी था कि मोशन क्या होता है. द फिनोमिना ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes their position from one point to another point. कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन को चेंज करता है पर यूनिट टाइम या विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं. देखिए बच्चों मोशन को और अच्छे से समझने के लिए, मैकेनिक्स को और अच्छे से समझने के लिए हमें इसके अंदर कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा जिससे कि हमारा जो चैप्टर होगा वो थोड़ा आगे चल करके इजी हो जाए. तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जैसे हमने कुछ मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा तो मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करेंगे, ठीक है. तो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी तो करेंगे लेकिन उसके लिए भी हमें कुछ हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटी होगी जिनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आगे टॉपिक पे जाने से पहले हमें उनको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं. तो कौन कौन सी वो फिजिकल क्वांटिटी होंगी और क्या वो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं. तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज quantities which can measure. देखिए बच्चों physical quantity वो quantity होती है जिनको हम measure कर सके, ठीक है. measure करने वाली जो भी quantity होंगी उनको physical quantity बोलेंगे. जैसे हम length को measure कर सकते हैं, time को measure कर सकते हैं, mass को measure कर सकते हैं, ऐसे बहुत से example हैं. तो ऐसी physical quantity जिनको हम measure कर सकें वो physical quantity होंगी. और फिजिकल क्वांटिटी की जो टाइप है वो क्या है? जैसे देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. एक होती है बच्चों स्केलर क्वांटिटी, एक होगी स्केलर क्वांटिटी और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में आपके पास आएगी वेक्टर क्वांटिटी. अब क्या होती है स्केलर क्वांटिटी और क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी, इस पे बात करते हैं. देखिए बच्चों स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली. ये ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू होती है. विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली. और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी
which has magnitude as well as direction. तो बच्चों देखिए दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ऐसी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो प्लस साथ में डायरेक्शन भी हो, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और यहाँ डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। तो हमने इसकी डेफिनेशन देखी दोनों की, दोनों क्वांटिटी की डेफिनेशन हमने पढ़ी क्या कि स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देखिए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दोनों की डेफिनेशन, इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझे हम, सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। देखिए जैसे हमने देखा कि लेंथ, बहुत सारे स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल होंगे आपको बुक्स में अवेलेबल भी होंगे, देखना जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, ये सब क्या है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कैसे, जैसे इसको सिंपल से एग्जांपल से मान लीजिए ये मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है, और इस मार्कर के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यदि हमें इसकी लेंथ मेजर करनी है, यदि हम इसकी लेंथ मेजर करना चाहें, सपोज करो वो लेंथ है इसकी 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए इस मार्कर की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर क्या रहेगा यहाँ पे, दैट इज मैग्नीट्यूड, यानी कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कैसे हुई, यहाँ पे डायरेक्शन का क्या रोल है, यदि हमने इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे इसको मेजर किया, इसकी लेंथ को मेजर किया और इसकी लेंथ सपोज करो 10 सेंटीमीटर है, जब हमने इसको ऐसे कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दी, अब इसको मेजर करें तो भी 10 सेंटीमीटर, ऐसे कर दें तो भी 10 सेंटीमीटर, मतलब ये कि आप इसको किसी भी डायरेक्शन के अंदर लेके जाएं तो डायरेक्शन चेंज होने के साथ इसकी लेंथ पे कोई फर्क पड़ रहा है, नो। तो जिस पे डायरेक्शन का कोई रोल ना हो, डायरेक्शन कोई रोल प्ले ना कर रही हो, तो वो क्वांटिटी जो होती है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। मास है, दूसरा एग्जाम्पल ले लें, मास, कोई बॉडी है जिसका मास है 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम की मास की इस बॉडी को आप किसी भी डायरेक्शन के अंदर मेजर करें आपको 2 किलोग्राम ही मिलेगा। टाइम है, टाइम 2 सेकंड 3 सेकंड कुछ, तो डायरेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो डायरेक्शन का यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो जहाँ डायरेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो वो क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जैसे लेंथ हो गया इसका एग्जाम्पल, लेंथ, मास, टाइम एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, तो जिनके ऊपर डायरेक्शन का कोई रोल ना रहे, सिर्फ और सिर्फ ये मैग्नीट्यूड वैल्यू इंपॉर्टेंट है, तो स्केलर क्वांटिटी। दूसरी क्वांटिटी है अपने पास वेक्टर क्वांटिटी, एंड वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देखिए बच्चों मान लीजिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझे, सपोज करो कि हमको किसी ने बोला कि ये कोई गेट है, ठीक है, ये कोई गेट है और इस गेट का ये हैंडल हो गया, और हमको बोला गया कि भाई इस गेट के ऊपर है ना आप 10 न्यूटन फोर्स लगाएंगे और 10 न्यूटन फोर्स का इफेक्ट ये होगा कि ये गेट खुल जाएगा। हमें नहीं बताया गया कि इसको पुश करना है या पुल करना है, ठीक, हमने 10 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर लगाया, ये नहीं खुलता है, हमने 20 न्यूटन किया, 30 किया, 40 किया, 50 किया, 100 न्यूटन तक फोर्स अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, फिर भी ये नहीं खुलता है, ठीक है। हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं इसके अंदर की तरफ, मतलब इसको पुश कर रहे हैं, हमारा जो फोर्स है मान लो वो पुश कर रहे हैं इसको, ठीक है, और हमारा फोर्स 10 न्यूटन से भी ज्यादा हमने लगा दिया, फिर भी ये ओपन नहीं हो रहा है। उसके बाद जिसने हमको बोला था वो आता है, वो उसके हैंडल को पकड़ता है और वो भी इसके ऊपर क्या लगाता है, 10 न्यूटन फोर्स लगाता है, और इस 10 न्यूटन फोर्स से क्या होता है, वो जो गेट है वो ओपन हो जाता है, इस 10 न्यूटन फोर्स के साथ वो गेट क्या हो जाता है, ओपन। तो उसका जो फोर्स था जो अप्लाई किया वो क्या था, वो था पुल, यानी कि उसने उस फोर्स को क्या किया, बाहर की तरफ किया, और बाहर की तरफ लगाने से वो क्या हो गया, ओपन हो गया। तो देखिए मैग्नीट्यूड सेम था, F=10 न्यूटन हमने लगाया था, F=10 न्यूटन उसने लगाया, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम, बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, डायरेक्शन, हमारा जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स था वो था पुश, और इसने जो किया वो क्या था, पुल। यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे जो वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स,
जिसको हम डिनोट करेंगे एफ वेक्टर से। वेक्टर क्वांटिटी को आप एफ ऊपर एरो हेड का साइन लगाएंगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू जो भी फोर्स आपने अप्लाई किया, ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में हमने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और ये गेट ओपन होता है। तो डायरेक्शन के साथ साथ मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो वो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। एक दूसरा एग्जांपल ले, मान लीजिए हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने दो फोर्स लगाए, एक लगाया F1 is equal to 20 न्यूटन और दूसरा जो फोर्स है वो है F2 is equal to 30 न्यूटन, ठीक है। तो इस पे जो टोटल इंपैक्ट ऑफ फोर्स होगा वो कितना होगा, दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो F is equal to टोटल फोर्स कितना होगा 20 plus 30 is equal to 50 न्यूटन, ठीक है। इसी ऑब्जेक्ट पे ये दो फोर्स हम क्या करते हैं, अपोजिट में लगाते हैं। यहाँ पे लगाया जैसे हमने 20 न्यूटन और जो दूसरा फोर्स है उसको हमने लगाया इधर से 30 न्यूटन, ठीक है। तो अब जो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स होगा सेम वही फोर्स 20 और 30 न्यूटन का जो इम्पैक्ट फोर्स था वो 50 न्यूटन था। अब जो देखेंगे हमने 20 न्यूटन ऐसे लगाया और 30 न्यूटन ऐसे लगाया, तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स एफ इज इक्वल टू 30 माइनस 20 जो कितना होगा 10 न्यूटन के। तो वही दोस्तों सेम फोर्स, यहाँ पे 50 न्यूटन का इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे 10 न्यूटन का क्रिएट कर रहे हैं। तो डायरेक्शन हमने देखा कि डायरेक्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे हम वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल लेते हैं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऐसे बहुत से एग्जांपल मिलेंगे और ये सब चीजें आप फोर्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन आगे हम टॉपिक में पढ़ेंगे भी एक एक को अलग अलग, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी थी, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी थी। अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देखिए बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आप क्या करेंगे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं, ठीक है, जैसे हमने लेंथ मेजर किया, हमने मास मेजर किया, हमने टाइम मेजर किया, हमने स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा, तो उन सब को उनकी एक स्पेशल यूनिट से रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे हम मान लें कि हमने कोई डिस्टेंस मेजर करनी है, ठीक है, एक पॉइंट ए से हमने क्या किया पॉइंट बी तक कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है, मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि इसने मान लो 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस को बेसिकली हम ऐसे बोलते हैं कि ए से बी कोई बॉडी कुछ लेंथ कवर कर रही है, तो ए से बी कुछ कोई बॉडी यदि लेंथ कवर कर रही है तो कितना लेंथ कवर कर रही है, तो 10 इज द मैग्नीट्यूड वैल्यू। 10 क्या है यहाँ पे, 10 इज द ओनली मैग्नीट्यूड उस फिजिकल क्वांटिटी का, सिर्फ क्या है मैग्नीट्यूड, प्लस यहाँ पे हमने क्या लगा दिया 10 किलोमीटर, किलोमीटर इज द यूनिट टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज टू बी मेजर्ड, ठीक है बच्चों। तो ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमारे पास जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जैसे कुछ बनाए हुए हैं फिजिक्स में जिन फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे एस आई यूनिट्स ऑफ सिस्टम, एस आई यूनिट्स ऑफ सिस्टम, दूसरा CGS सिस्टम, यही बच्चों MKS सिस्टम भी बोलते हैं इसको ही, तीसरा है जैसे FPS सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो SI सिस्टम यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसकी यूनिट से रिप्रेजेंट करना, और ऑल एक स्टैंडर्ड यूनिट भी होती है ये, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल लेवल पे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर एक ही यूनिट, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर एक ही यूनिट होगी। जैसे डिस्टेंस को यदि आप मीटर में नाप रहे हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ये मीटर में ही होगी। ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को बनाया गया था क्योंकि हर एक कंट्री के अंदर पहले क्या होता था कि लेंथ को हम किसी दूसरे मेजरमेंट से मेजर कर रहे हैं और किसी दूसरी कंट्री के अंदर उसको किसी दूसरे प्रोसेस से मेजर कर रहे हैं,
तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता था, तो सबने मिलकर के और एक जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को फॉर्मेशन दी गई, और इस फॉर्मेशन के अंदर क्या किया गया कि एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दी गई हर क्वांटिटी के लिए, हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई। उस स्टैंडर्ड यूनिट्स का जो मोटो था वो ये था कि जैसे हम टाइम को सेकंड में नापते हैं, मेजर करते हैं, लेंथ को जैसे मीटर में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मीटर में कर रहे हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को मीटर में कर रहे हैं, तो ये वो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी यूनिट्स ऑल ओवर वर्ल्ड सेम है। पहले क्या था कि डिफरेंट डिफरेंट होती थी, हम डिस्टेंस को कुछ और सिस्टम में मेजर कर रहे होते हैं, वहाँ कुछ किसी दूसरे सिस्टम के अंदर मेजर कर रहे होते हैं। तो कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का फॉर्मेशन किया गया और स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए। तो इन फिजिकल क्वांटिटी के अंदर हम देखते हैं कि जो मास होता है, मास हम क्या सिस्टम में, जैसे मास को हम किलोग्राम में मेजर करेंगे, मास को किलोग्राम में करेंगे, लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे, ठीक है बच्चों। और सीजीएस सिस्टम के अंदर क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में होगा जैसे लेंथ को हम सेंटीमीटर में करेंगे, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में, और ये एफपीएस सिस्टम है जैसे फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, ठीक है। तो ये था सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल हम कहें कि जैसे हम अपना एग्जांपल लेकर देखते हैं, जैसे मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर, ठीक है, 165 सेंटीमीटर, सपोज करो 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, यदि हम कहें कि मेरी हाइट है 165, तो क्या अकेली मैग्नीट्यूड वैल्यू से हाइट डिफाइन हो जाएगी? अकेली मैग्नीट्यूड वैल्यू हाइट को डिफाइन नहीं कर सकती बिना इसकी यूनिट की, क्या समझे हम, 165 क्या, 165 क्या करेंगे, ठीक है, 165 सेंटीमीटर, तो ये डिफाइन होता है 165 सेंटीमीटर हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है 165 सेंटीमीटर। कोई बॉडी है जिसका मास है 50, उसके आगे उसकी यूनिट लगेगी तो उसका मास पता चल जाएगा कि हाँ भाई मास के बारे में बात हो रही है। टाइम है जैसे 30, टाइम कोई बोले 30 किलोग्राम, टाइम 30 किलोग्राम, मतलब किलोग्राम ही कैसे हो सकता है। तो टाइम की प्रॉपर यूनिट बनाई गई है फिजिक्स में, टाइम की हर यूनिट, हर फिजिकल क्वांटिटी की प्रॉपर यूनिट है, तो उस प्रॉपर यूनिट को, उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू के साथ। तो मैग्नीट्यूड वैल्यू जैसे आप लेंथ के लिए जैसे 165 तो सेंटीमीटर इसका यूनिट हो गया, मास के लिए जैसे हम बोले कि 20 किलोग्राम तो किलोग्राम उसका यूनिट हो गया, टाइम के लिए जैसे बोल रहे कि हम 30 सेकंड, 30, 20, 50 सेकंड तो सेकंड उसकी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का यूनिट हो गया। तो ये थी आपकी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब बच्चों हम बात करते हैं अपने चैप्टर के डिस्कशन में जाते हैं, जैसे मैकेनिक्स में अपने पास जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट्स का होना कितना जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं मोशन, और मैकेनिक्स क्या होता है इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मैकेनिक्स क्या होती है, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम डिस्कस करेंगे, किसी भी मोशन, किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में, ठीक है। तो देखिए डिस्कस करते हैं मोशन क्या होता है। तो मोशन देखिए बच्चों क्या होता है, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मोशन क्या होता है, कोई भी बॉडी जो अपनी पोजीशन को क्या करे, चेंज करे, कोई भी बॉडी जो अपनी पोजीशन को चेंज करे किसके साथ, टाइम के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करे उसे हम मोशन बोलेंगे। और रेस्ट क्या होगा, रेस्ट होगा ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, इज नोन एज मोशन, इज नोन एज सॉरी रेस्ट और मोशन, दोनों चीजें हमने देख ली। यानी कि इस कंडीशन में क्या है, यदि बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे, पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं आप,
विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट या फिर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। और यहां पे क्या है, ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट्स पोजिशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेफरेंस पॉइंट और सराउंडिंग। देखिए बच्चों, एक फैक्ट यहां पे ये भी है कि कोई भी बॉडी इस यूनिवर्स में रेस्ट में नहीं है, कोई भी बॉडी इस यूनिवर्स में रेस्ट में नहीं है, फिर भी हम कभी कहते हैं कि दैट बॉडी इज इन रेस्ट, दैट बॉडी इज इन मोशन। तो उसके लिए कुछ टर्म्स आती हैं जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। पहला फैक्ट तो हमने ये देख पढ़ा कि कोई भी बॉडी इस यूनिवर्स में रेस्ट में नहीं है, वो किस में है, हर बॉडी मोशन में है। लेकिन हर बॉडी मोशन में है तो फिर रेस्ट में कैसे हो सकती है, तो रेस्ट में कौन सी बॉडी होगी। फॉर एग्जांपल हम इसको एक एग्जांपल से समझें, जैसे ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर हम प्रेजेंट, हमारा घर है, हम भी उसमें प्रेजेंट है, हम जिस रूम के अंदर बैठे हैं उसके आसपास, उसके सराउंडिंग एरिया के रिस्पेक्ट में हम बात करें, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी रेफरेंस पॉइंट हम माने, तो हम खड़े हैं तो रेस्ट में है उस सराउंडिंग एरिया के लिए। इस अर्थ से बाहर यूनिवर्स से कोई दूसरा ऑब्जर्वर हमें देखे तो हम उस ऑब्जर्वर के लिए इसमें किस में है, मोशन में है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। ठीक है, एक बॉडी एक ऑब्जर्वर के लिए हो सकता है वो रेस्ट में हो, वो सेम बॉडी उसी टाइम किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल समझे, मान लीजिए हम किसी ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठे हैं और ट्रेन मूव कर रही है, हम जिस सीट पे बैठे हैं हमारे सामने कोई दूसरा पैसेंजर बैठा है, तो दोनों के रेस्पेक्ट में देखें तो ये वाला पैसेंजर भी रेस्ट में है, उसके सामने वाला पैसेंजर भी, एक दूसरे के साथ यदि कंपेयर करें, एक दूसरे को देखें तो रेस्ट में है। कंपार्टमेंट से बाहर रेलवे प्लेटफॉर्म पे मान लो कोई पैसेंजर खड़ा है और ट्रेन मूव कर रही है, उसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो वो दोनों पर्सन मोशन में है। ठीक है, तो कंपार्टमेंट के अंदर जैसे उसके सराउंडिंग एरिया में फ्लोर, ऊपर छत है, अपनी सीट्स हैं, अदर पैसेंजर हैं, तो उनके रेस्पेक्ट में देखें तो हम रेस्ट में हैं। लेकिन कंपार्टमेंट से बाहर वाला पैसेंजर, अदर जो ऑब्जर्वर होगा उनके रेस्पेक्ट में देखें तो हम किस में हैं, मोशन में हैं। यानी कि सेम बॉडी एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में भी है और वही सेम बॉडी उसी टाइम दूसरे ऑब्जर्वर के लिए मोशन में भी है। तो इसलिए ये एक रिलेटिव मोशन का एग्जाम्पल भी है। और वैसे कोई भी बॉडी रेस्ट में होती नहीं है, समझ में आ रही बात, क्योंकि हम अर्थ में प्रेजेंट हैं तो अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ से बाहर कोई भी ऑब्जर्वर होगा उसको देखेगा तो हम किस में मिलेंगे, मोशन में मिलेंगे। हम अपने सराउंडिंग एरिया के ऑब्जेक्ट को साथ में विद रिस्पेक्ट टू अवर सराउंडिंग एरिया देखें तो हम रेस्ट में भी हो सकते हैं उसी टाइम। ठीक है बच्चों, तो मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, रेस्ट के भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ए मूविंग बाइक, कार, स्कूटर, मूविंग बर्ड्स, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप कितने एग्जाम्पल दे सकते हैं मोशन के बारे में और रेस्ट के बारे में भी। ठीक है, जैसे रेस्ट हो गया आपका, ए हाउस स्टेशनरी पोजिशन पे है, एन इलेक्ट्रिक पोल, ट्री, ये सब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जो रेस्ट के एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आपने देखा कि मोशन भी आपको समझ में आ गया होगा, रेस्ट क्या होता है वो भी समझ में आ गया, और रिलेटिव मोशन क्या होता है वो भी आप समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करते हैं कि रेफरेंस पॉइंट। देखिए हमने आप एक बात की कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, तो रेफरेंस पॉइंट बच्चों एक ऐसा पॉइंट होता है जो हम चूज करते हैं। मान लीजिए एक रेफरेंस पॉइंट को हमने चूज किया कि इस रेफरेंस पॉइंट की ये कोई ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, इस पॉइंट को हमने चूज कर लिया कि ये एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया, जैसे हमने अपने घर को एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया, या एक इलेक्ट्रिक पोल को हमने एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया, या एक ट्री को हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया, उस ट्री के सराउंडिंग एरिया में कोई ऑब्जेक्ट है दूसरा। ठीक है, टाइम चेंज होने के साथ साथ, टाइम पास हो रहा है टाइम के साथ साथ, यदि वो ऑब्जेक्ट उस रेफरेंस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट किस में, मोशन में, और चेंज नहीं कर रहा है उसके सराउंडिंग एरिया में, उस रेफरेंस पॉइंट के एरिया में, तो वो ऑब्जेक्ट किस में होगा, रेस्ट में होगा। यदि चेंज कर लिया तो मोशन में, और चेंज नहीं कर रहा है तो मोशन में। तो हम इसके डेफिनेशन को किससे भी बता सकते हैं कि मोशन क्या होगा, an object is said to be in motion if its position continuously changes with respect to time, with respect to surrounding, or with respect to reference point. ठीक,
एग्जांपल बता देंगे इसके दो चार। रोस्ट रेस्ट क्या होता है, बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ या रेफरेंस पॉइंट के साथ या विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट या विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज ना करे तो वो क्या होता है, रेस्ट होता है। चलिए बच्चों बात करते हैं आगे अपने इस टॉपिक में जो आता है अपने पास, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अपने अब जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमने अभी डिस्कस किया था कि जैसे डिस्टेंस क्या होता है, देखिए बच्चों डिस्टेंस क्या होगा, ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो अभी हमने डिस्कस भी किया था। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है बच्चों की, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। और डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है, डिस्टेंस को हम किसमें मेजर करते हैं, एसआई यूनिट होगी इसकी मीटर जिसको एम से डिनोट करेंगे, और इसकी जो सीजीएस यूनिट होगी वो होगी बच्चों सेंटीमीटर। सीजीएस यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर जिसको हम सी एम से डिनोट करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, कैसी क्वांटिटी होगी, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए बच्चों कि ये एक पॉइंट है ए, इस पॉइंट ए से कोई बॉडी ऐसे ट्रेवल कर रही है और पॉइंट बी पे आ गई, उसके बाद ये ट्रेवल करके पॉइंट सी पे आ गई, फिर ये ट्रेवल करके पॉइंट डी पे चली गई। ए से भी मान लो इसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी से इसने मान लीजिए 2-5 किलोमीटर ट्रेवल किया, उसके बाद इधर इसने मान लीजिए 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, टोटल डिस्टेंस उतनी हो जिसमें इस बॉडी ने जितना पाथ कवर किया। तो इसने कितना पाथ कवर किया, ए से बी गया, बी से सी और सी से डी गया, तो उस टोटल पाथ इसने कितना कवर किया, 10 + 5 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, 10 + 5 + 3 18 किलोमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 18 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। तो डिस्टेंस की जो दूसरी डेफिनेशन, एक साइंटिफिक डेफिनेशन और थोड़ी सी लेंथी डेफिनेशन भी बता सकते हैं, क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है बच्चों। तो ये है इसकी डेफिनेशन और ये है इसका यूनिट, यानी कि डिस्टेंस का, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, सीजीएस यूनिट इसकी सेंटीमीटर होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्केलर क्वांटिटी ऐड कैसे होती है ये तो थोड़ा सा टॉपिक अलग हो जाएगा, इसको कभी फिर डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात बच्चों, किसी भी जो ऑटोमोबाइल व्हीकल होते हैं, ऑटोमोबाइल व्हीकल के अंदर देखते हैं हम, वो डिस्टेंस मेजर करने का जो डिवाइस होता है उसको बोला जाता है ओडोमीटर। ओडोमीटर यानी कि ऑटोमीटर, किसी भी ऑटोमोबाइल व्हीकल के अंदर आप देखेंगे, ऑटोमोबाइल व्हीकल जो कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल सब कुछ आप देखते भी हो, आप यूज भी करते हैं, तो उनके अंदर आप देखेंगे उनके अंदर एक डिवाइस लगा रहता है, डैशबोर्ड में डिवाइस लगा रहता है जिसको बोलते हैं ओडोमीटर। तो वैसे तो बहुत सारे डिवाइसेज उसके अंदर होते हैं, एक जो ऑयल मेजर करने के काम आता है, फ्यूल मेजर करने के काम आता है, दूसरा स्पीड मेजर करने के काम आता है, डिस्टेंस मेजर करने के काम आता है। तो जो डिस्टेंस को मेजर करता है, तो डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस है, डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस। तो ऑडोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो वो किसी भी ऑटोमोबाइल व्हीकल में डिस्टेंस को मेजर करता है। तो जो डिस्टेंस को मेजर करे वो ऑडोमीटर, जो स्पीड को मेजर करे वो स्पीडोमीटर, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका डिस्टेंस, ठीक है। देखिए दूसरा टॉपिक करते हैं हम इसके बाद, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों जो आगे जो टॉपिक होंगे, जैसे स्पीड पढ़ेंगे हम, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, तो उनमें ये काम आएंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट की, तो देखिए
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? द शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ये क्या होती है? द शॉर्टेस्ट और ए स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. देखो बच्चों, जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगी, मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है ए, एक बॉडी ट्रेवल कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ट्रेवल कर ली. मान लीजिए इसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है. इस केस में यदि हम देखें कि हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी होगी, तो हम इजीली कैलकुलेट करके बता सकते हैं. इसे हमें पता भी चल रहा है कि जो डिस्टेंस होती है ना, वो तो होती है द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड. चाहे वो बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करके आए, चाहे वो किसी जिगजैग पाथ से मूव करके आए, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, किसी भी फॉर्मेशन में वो ट्रेवल कर सकती है. तो डिस्टेंस तो हमने सारी क्वांटिटी, सारी जो वैल्यूज होती है मैग्नीट्यूड वैल्यू को ऐड करना होता है, आपको डिस्टेंस इजीली मेजरमेंट हो जाता है. तो ये 10 किलोमीटर. यदि इस केस में हम डिस्प्लेसमेंट देखें, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट निकालना भी आसान है. तो डिस्प्लेसमेंट देखेंगे आप, तो डिस्प्लेसमेंट भी आपको कितना मिलेगा, 10 किलोमीटर ही मिलेगा. क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन हम पढ़ें, द शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. यानी कि इनिशियल और फाइनल, इनिशियल पोजीशन क्या थी, यानी कि बॉडी ने कहां से स्टार्ट किया था, ए पॉइंट से, और फाइनल पोजीशन कहां तक गई, बी पे, बी तक गई. तो ए से बी के बीच में स्ट्रेट लाइन और शॉर्टेस्ट कंडीशन ये भी है कि कम से कम होना चाहिए डिस्टेंस, कम से कम हो और शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन हो. तो वो वाली क्वांटिटी होगी, वो डिस्प्लेसमेंट को मेजर करती है. तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे स्ट्रेट भी है और शॉर्ट भी है. इससे शॉर्ट हो नहीं सकती, ए से बी पे जाने के लिए इससे शॉर्ट हो नहीं सकती. तो शॉर्टेस्ट भी है और स्ट्रेट लाइन भी है. तो वो कितना मिलेगा, 10 किलोमीटर. मतलब ये कि जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है, जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखें आप. और डिस्प्लेसमेंट की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बच्चों, वो होती है मीटर. यानी कि डिस्टेंस की तरह ही इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, जिसको भी हम मीटर में मेजर करते हैं. इसकी सीजीएस यूनिट जो होती है, सीजीएस यूनिट होती है इसकी सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों. और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी थी, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी. ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने देखा. अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हो सकता है. देखिए हमने इसके डिफरेंस भी पढ़ने हैं. डिफरेंस में हम देखेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या कैसे इनमें डिफरेंस होता है. तो डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा और देखते हैं हम, कि ये कब जीरो हो सकता है, कब ये पॉजिटिव हो सकता है, कब ये नेगेटिव हो सकता है, इन चीजों के बारे में देखते हैं. देखिए डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. देखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है. बट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, जीरो नहीं होगी, ठीक है बच्चों. वो हमेशा क्या रहती है, डिस्टेंस क्या होती है, कोई बॉडी यदि मूव कर रही है, कोई भी मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता और कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. यदि वो मूव कर रही है तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा. बट डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है. तो ये कब किस केस में नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो सकते हैं, उन चीजों के बारे में देखते हैं. बच्चों मान लीजिए हम एक एग्जांपल लें कि एक बॉडी है पॉइंट ए पे और वो बॉडी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है और पॉइंट बी तक जाती है, ए से बी, ठीक है. थोड़ा लेंथी मान लेते हैं एग्जांपल को, कि पॉइंट ए से ट्रेवल किया स्ट्रेट लाइन और पॉइंट बी पे जाते हैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी. तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसकी मान लीजिए 50 किलोमीटर है. पॉइंट ए से बी कितना है, 50 किलोमीटर,
ये x1 मान लिया हमने, x1 डिस्टेंस, ठीक है। तो इस केस में यदि हम आपसे, ये पहला केस लेते हैं, इस केस में यदि हम आपसे पूछें कि व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, तो हम बताएंगे कितना होगा 50 किलोमीटर। इसी केस में यदि हम आपसे पूछें कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हमारे लिए ये बताना भी इजी रहेगा। डिस्टेंस हम बता सकते हैं इजीली 50 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट भी हम बता सकते हैं, क्योंकि इस केस में डिस्प्लेसमेंट बताना इजी है, क्योंकि किस लिए, कि पॉइंट ए से बी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर हो गया। चलिए दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में हम देखते हैं कि एक बॉडी पॉइंट ए पे है और वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके पॉइंट बी पे आ जाती है, और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 150 किलोमीटर, ठीक है भाई, 150 किलोमीटर, ये वाली जो इसकी वैल्यू है ये है x1। फिर वो बॉडी ट्रेवल करके अपने पॉइंट बी से इस पॉइंट पे आ गई, इस पॉइंट पे मतलब ये वाला पॉइंट बी था, ये वाला पॉइंट सी, और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 25 किलोमीटर। तो इसने जो 25 किलोमीटर को डिस्टेंस को ट्रेवल किया, तो इस केस में जो डिस्टेंस निकालेंगे ना, जो डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट जो डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, इस फॉर्मूले को यूज में लेंगे, देखना डेल एक्स होता है, डेल एक्स रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट को, एक्स टू रिप्रेजेंट करता है फाइनल पोजिशन को माइनस इनिशियल पोजिशन को, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, इसकी डेफिनेशन से हम समझें कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, वो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, दिस इज द शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। तो देखिए फाइनल पोजिशन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन। तो यहां देखें आप कि बॉडी पॉइंट ए से बी पे ट्रेवल करती है x1, यानी कि ये इसकी वैल्यू है 50 किलोमीटर डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, तो ये वैल्यू हमने इनिशियल पोजीशन इसकी क्या मान ली, x1, और ये वाली जो वैल्यू है इसको हमने क्या मान लिया, x2, क्योंकि a से b गई और b से वापस उसी रास्ते से आ रही है, पॉइंट c तक आती है 25 किलोमीटर डिस्टेंस से, ये रिटर्न कर रही है, वापस आ रही है 25 किलोमीटर, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन हमें ये कहती है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, यहाँ इस केस में डिस्टेंस पूछा, पहले हम डिस्टेंस बताते हैं कि डिस्टेंस कितना होगा, यदि हम आपसे पूछें कि डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस तो ये होती है कि जो टोटल डिस्टेंस होगी 50 प्लस 25, आप इजीली बता देंगे 50 प्लस 25, डिस्टेंस मेजर करना बहुत आसान है, 75 किलोमीटर। बट इसी केस में यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट देखिए ये फॉर्मूला आप यूज करें, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है या जीरो आता है, वो चीज आपकी कैलकुलेट यहां से हो जाएगी। तो डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, सो डेल एक्स इज इक्वल टू, एक्स टू की वैल्यू कितनी है भाई 25, माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी है 50, सो डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस 25 किलोमीटर, यानी कि इस केस में जो आपके पास वैल्यू आई वो क्या आई, नेगेटिव, क्या वैल्यू आई, नेगेटिव। तो हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, कैसा डिस्प्लेसमेंट आया, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आया, ठीक है। देखिए इस केस में हुआ क्या है, इस केस में ये हुआ है कि जो x2 है वो लेस देन है x1, और जब x2 लेस देन x1 हो तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा आपके पास वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। वैसे भी यदि हम इसको अपने ऑर्डिनरी फॉर्मूला तरीके से देखें, तो ऑर्डिनरी तरीके से हम देखें, हमने जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हम देखें, तो भी 25 ही आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो उस केस में हम साइन यूज नहीं करते, यदि हम इसके साइन के साथ या पॉजिटिव नेगेटिव के साथ देखें तो कैसा आ रहा है, वो तो इस फॉर्मूले से पता चलेगा। यदि मान लो हम, आपने क्या किया था, ए से बी 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, दिस इज द इनिशियल पोजिशन, ए से बी 50, ये फाइनल हो गया, वापस आया फाइनल पॉइंट ये हो गया, तो भाई ए से बी 50 गया, रिटर्न आ गया वापस 25 किलोमीटर, रिटर्न भी आ गया, तो इनिशियल पॉइंट ये था, अब फाइनल पॉइंट ये है, तो 25 किलोमीटर रिटर्न आ गया, तो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कितनी बची आपके पास, 25 किलोमीटर, जो हमारे पास मैग्नीट्यूड वैल्यू तो सेम आएगी, यदि ऑर्डिनरी तरीके से देखेंगे तो मैग्नीट्यूड वैल्यू तो हमें सेम मिल जाएगी, लेकिन हमें यदि बात करनी हो, हमसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके बता सकते हैं कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कैसा है, नेगेटिव है। कब है नेगेटिव, जब x2 यानी कि फाइनल पोजीशन कैसी हो, छोटी हो किससे, इनिशियल पोजीशन से, x2 लेस देन x1, उस केस में जो आपके पास वैल्यू आएगी वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की होगी।
ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं तीसरे केस की। उस केस में हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये एक पोजीशन है ए, इस पोजीशन ए से कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है और इस पे आ गई पोजीशन बी पे आ गई, इसको यहाँ लिख देते हैं पोजीशन बी पे आ गई। भाई बच्चों मान लीजिए इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वन। ये बॉडी बी से इसी रास्ते से फिर ट्रेवल करते आती है और ये कुछ पॉइंट सी तक आ जाती है यहाँ, ठीक है, और यहाँ बी से सी तक की जो डिस्टेंस है मान लीजिए इसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया, ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू इसकी कितनी थी 50 किलोमीटर। अब इसकी फाइनल वैल्यू कितनी है x2 जो 100 किलोमीटर है, सी पॉइंट पे आती है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे इसका। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे डेल x इज इक्वल टू x2 माइनस x1, सो डेल x इज इक्वल टू x2 की वैल्यू यहां कितनी है, अब फाइनल वैल्यू क्या है 100 माइनस इनिशियल क्या थी आपकी 50, कितना आया 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। देखेंगे आप यहां से वैसे भी निकाल सकते हैं आप कि ये टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस कितनी है बी से, ए से बी ये 50 गया लेकिन बी से ये रिटर्न होकर के आगे और निकल गया सी पॉइंट तक, ये टोटल डिस्टेंस 100 है, तो ये 50 के इक्वल है और टोटल 100 थी, तो आगे कितनी बची होगी 50 ही बची होगी। तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास आया वो कैसा आया, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इस केस में आपके पास है क्या कि इस केस में जो एक्स टू है वो ग्रेटर देन एक्स वन, और जब x2 greater than x1 होगा तो जो displacement होगा वो होगा आपका positive displacement, ठीक है बच्चों। तो आपने negative displacement कब होता है उसका example देख लिया, आपने positive displacement कब होता है उसका example भी देख लिया। अब हम बात करते हैं इसकी, इस केस में आपके डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस कितना निकलेगा, इस केस में डिस्टेंस कितना होगा 50 प्लस 100, डिस्टेंस निकलेगा तो 150 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट निकाला तो कितना मिला 50 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं तीसरे डिस्प्लेसमेंट यानी कि जीरो डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट। देखिए बच्चों हमने एक बात की थी अभी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती। जब बॉडी मूव करेगी तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो जरूर, कुछ ना कुछ लेंथ जरूर, कुछ ना कुछ पाथ जरूर कवर करती है, तो उस केस में डिस्टेंस तो जीरो होने का मतलब ही नहीं है और नेगेटिव होने का मतलब ही नहीं है। तो जीरो डिस्प्लेसमेंट कब हो सकता है, कब, एग्जांपल समझिए, मान लीजिए एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से बी पे कोई बॉडी ट्रेवल कर गई 10 किलोमीटर और उसी बी पॉइंट से ये बॉडी आ जाती है ए पॉइंट पे, तो यहाँ इस पॉइंट ए पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया जीरो। डिस्टेंस देखिए यहाँ डिस्टेंस आप निकालेंगे तो 10 किलोमीटर ए से बी, 10 किलोमीटर बी से ए, तो डिस्टेंस तो निकल गया 20 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है दिस इज द शॉर्ट एंड स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और इसका निकालने के लिए हम क्या करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो इनिशियल पॉइंट क्या था ए था और फाइनल पॉइंट भी क्या है, अब ये यहां से यहां गई और यहां से बी से फिर ए पे आ गई तो फाइनल पॉइंट भी ए ही हुआ, तो a माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। तो जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने के बाद उसी पॉइंट में जहां से उसने उसका इनिशियल पॉइंट था जहां से स्टार्ट हुआ था उसी पॉइंट पे वापस आती है, तो उस केस में डिस्टेंस तो जरूर पॉजिटिव होती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। जरूरी नहीं कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे तो भी ऐसा होता है, मान लो कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही हो ऐसे, ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर हो गया और सर्कल से ये इसकी रेडियस है और ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा, जो इसका पाथ है ये इसका सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा, सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr होता है, तो ये पॉइंट हम a माने, कोई बॉडी ऐसे ट्रेवल करे इस पाथ के ऊपर ऐसे गोल गोल घूम करके आती है और इसी पॉइंट a पे आती है, और उस केस में हम कहें कि डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस कितना होगा, इस केस में डिस्टेंस उतना होगा जितना इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा, और सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना है 2πr, तो इसका मतलब डिस्टेंस कितना हुआ 2πr। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्योंकि बॉडी अपने इसी पॉइंट पे वापस आ गई, और डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन क्या है इसका, किस पॉइंट पे आकर रुकी ए पे, माइनस इनिशियल क्या था ए ही था, तो ए माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस a इज इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चों। तो हमने पढ़ा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो ये सब चीजें पढ़ने के बाद
आपको ये टॉपिक समझ में भी आ गया होगा अच्छे से कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली है क्या क्या इसके एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि इसमें हम करेंगे आगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होंगे वो करेंगे कि अलग अलग सिचुएशन पे कोई सर्कल में मूव करते पार्टिकल के लिए, कोई स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए पार्टिकल के लिए, कुछ डायरेक्शन के लिए करेंगे कि कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है कि नॉर्थ में चलेंगे 10 मीटर, फिर टर्न किया साउथ में चलेगी 5 मीटर, इस तरह से उस केस में डिस्टेंस कैलकुलेट करना और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लें। जैसे बच्चों क्या कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट में भी जीरो, देखिए हमने अभी पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट में भी जीरो, कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है और क्यों हो सकता है, मैंने आपको एग्जांपल से समझा भी दिया। ठीक है, बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नेवर जीरो, बट डिस्टेंस जो होगी ना वो जीरो नहीं हो सकती। ठीक है ना, कोई बॉडी इसको एग्जांपल से समझे, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो डिस्टेंस जीरो क्यों नहीं हो सकती। एक बॉडी पॉइंट ए पे ट्रेवल किया पॉइंट बी तक आए, ठीक है मान लो 15 किलोमीटर आई, ठीक है इसी पॉइंट बी से ये बॉडी आ गई पॉइंट ए पे, ठीक तो 15 प्लस 15 तो डिस्टेंस तो भाई कितना हो गया, डिस्टेंस तो 30 किलोमीटर हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। इसको अभी हमने एक एग्जांपल से देखा भी था, ठीक है ना। तो कोई बॉडी ट्रेवल करती है उसी पाथ को दोबारा से अपने इसी इनिशियल पॉइंट पे वापस आती है, तो डिस्टेंस तो क्या होगी, यहाँ इसके एग्जांपल से देखिए 15 गई थी 15 वापस आई 30 किलोमीटर हो गया, बट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। ठीक है बच्चों, तो डिस्टेंस दूसरा पॉइंट है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या तो ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस क्या हो सकती है, ग्रेटर देन equal to displacement, greater than equal to displacement, जो distance traveled होती है कोई भी body जो distance traveled करती है वो या तो क्या होगी displacement के equal भी हो सकती है। displacement के equal कब होगी, जब एक body straight line में travel करे from point A to B, इस case में बच्चों आप देखना कि A से B गया और मैं आपसे पूछता हूँ 15 किलोमीटर गया A से B, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि what is the distance traveled, तो आप बता देंगे easily 15 किलोमीटर। इसी केस में आपसे मैं ये भी पूछ रहा हूँ कि ए से बी इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो उस केस में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी कितना है 15 किलोमीटर, क्योंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया है। तो यहाँ भी यही है कि जो डिस्टेंस है ना वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं, कब हो सकते हैं जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, लेकिन जब बॉडी स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करे और फिर वापस अपने उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए अपने उसी ओरिजिनल पॉइंट पे आ जाए, तो उस केस में डिस्टेंस जो है ना वो ग्रेटर देन होगी, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो एक बात पता चल गई हमें यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो डिस्प्लेसमेंट है कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा हो नहीं सकता, उसके लिए कंडीशन क्या है, डिस्टेंस ग्रेटर देन हो सकती है या इक्वल हो सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है बच्चों, तो आप देखेंगे इसमें अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों टॉपिक आपने पढ़े कि डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, कैसे क्या प्रोसेस होता है, एक एक चीज को आपने एग्जांपल से समझ लिया देख लिया, तो इजीली आप इसमें डिफरेंस भी बता सकते हैं क्या क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि डिफरेंस में हम बात करें कॉमन जो डिफरेंस है इनके, जैसे डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय योर मूविंग बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, दोनों की डेफिनेशन आ गई पहले पॉइंट में। दूसरा जो पॉइंट है डिफरेंस के लिए हम बता सकते हैं कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस आप ये बता सकते हैं कि जो डिस्टेंस होती है वो ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हैं आपके पास, इन बेसिक डिफरेंस को आप आपने जो पढ़ा है इस टॉपिक के अंदर उसको पढ़ते हुए आप इसको याद कर सकते हैं, इजीली आप इसको मेंशन करेंगे।
तो बच्चों ये था आपका एक इंट्रोडक्टरी टाइप लेक्चर जो आपने पढ़ा, बेसिक लेक्चर है अपना। आगे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप जब आगे डिस्कस करेंगे, जैसे अभी हम पढ़ेंगे जैसे स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, तो स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन को अच्छे से समझने के लिए हमारे पास इन सब फिजिकल क्वांटिटी को समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, आई होप बच्चों कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा, और इसके जो नोट्स हैं मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए थे, आप उनको अपनी फेवरेट नोटबुक में नोट करेंगे और इस लेक्चर वीडियो को आप एक बार उस टॉपिक को लिख करके सामने लेकर के बैठेंगे और फिर इसको लेक्चर वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।